ब्राह्मण सूचित किए जाते अभी भोजली विसर्जन करे बर समस्त ग्रामवासी चलत जहाँ अभी समस्त ग्रामवासी मन भोजली विसर्जन करे बर समस्त ग्रामवासी चलत जहाँ धन्यवाद। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो दोस्तों, जैसे ही मुनियादी हुआ तो उसके बाद जो है हमारे गांव से जो है जितने भी भोजली जो है उपजाए हैं हमारे गांव के माताएं बहनें सभी जो है दोस्तों इकट्ठा होकर अब जो है दोस्तों हम लोग गली से जो है पूरा घूमते हुए जाएंगे। और जो है देख सकते हो दोस्तों ऐसा कुछ जो है भोजली है दोस्तों, देख सकते हो यहाँ पे मेरे जितने भी माताएं बहनें मेरे भाभी जी बुआ ये सभी हैं, ठीक है। और अभी जो है दोस्तों ठंडा करने जाएंगे, अभी उधर दहरा जाएंगे दोस्तों, उधर जो अभी जाएंगे ठंडाई करने, तो बने रहिएगा दोस्तों वीडियो पे। और मामा दाई आ
समझ आई? पिंकी चल जा, निकल 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 निकल। भैया मल्ला जयराम का सरपंच महोदय, जयराम जयराम। मैंने पानी कांजी गिरवावा फोटो बाद में, अभी खिंचाबो, अभी खाली है करा था फोटो अति खिंचाबो न। बड़े व्यक्ति कैसे रुके हैं? पल्ला का और दूसरे वीडियो कर रहा था ना। रमेश लाइव कर रहे हैं, लाइव 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 लाइव। रुक जा है, मत फेंकना अभी, मत फेंकना अभी। वहाँ पे सभी बच्चे लोग देख सकते हो, वहाँ पे नारियल के लिए दौड़ रहे हैं और अभी नारियल फेंकेंगे। चल भाई चल चल, रियल में फेंकना। चल चल अरे बुढ़ के कहानी पर नहीं पाए को दोस्तों। यहाँ पर है मेरे गांव के सभी दोस्त हैं और हमारे गांव के, मेरे गांव का नाम है दोस्तों खर्री, आप लोग को पता ही है। तो मेरे गांव के मुखिया जी हैं माननीय श्री श्यामलाल जी ठाकुर, मेरे गांव के जो सरपंच है दोस्तों। तो आइए दोस्तों, मैं आप लोगों से सरपंच जी से मिलवाता हूँ और जो है आप लोगों को हमारे छत्तीसगढ़ के जो ये भोजली का त्यौहार होता है ना, तो उसके बारे से मैं सरपंच जी से चाहूँगा कि आप जो है हमें सब्सक्राइबर को बताइए कि ये भोजली का त्यौहार जो होता है हमारे छत्तीसगढ़ में, तो किस प्रथा से हम लोग जो है इसे मनाते हैं। तो आइए दोस्तों, मैं आप लोगों को मेरे गाँव के सरपंच श्यामलाल जी ठाकुर से। दोस्तों नमस्कार, सबसे पहले मैं 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस एवं रक्षाबंधन एवं भोजली कार्यक्रम का मैं सबको हार्दिक बधाई एवं गाढ़ा गाढ़ा कोटि कोटि बधाई देता हूँ। मैं इतना खुश हूँ मेरे गांव में इतना जोरदार धूमधाम के साथ मेरे गांव में मनाने जा रहा है। हर वर्ष इस बार 30 बार से भी हमारे गाँव में भोजली का कार्यक्रम विसर्जन किया जा रहा है। ये परम्परा हमारा छत्तीसगढ़ का ये पारंपरिक कार्यक्रम है हमारा। ये कार्यक्रम जो हमेशा हमारे पूर्वजों ने इसको चलाते आ रहा है अभी, लेकिन इतना खुश हूँ मैं मेरे गांव में इतना जोरदार धूमधाम के साथ बड़ा भव्य कार्यक्रम के साथ हमारे गांव में मेरे बुजुर्ग मेरे साथ में सभी नवयुवक साथियों मेरे साथ में है, सबके साथ जोरदार रुचि लेकर के हमारे भोजली का विसर्जन कार्यक्रम रुचि रखा हुआ है। और इस तरह से हर वर्ष मैं ये इस कार्यक्रम को देखना चाहता हूँ मैं कि ऐसा कार्यक्रम हर वर्ष होते जाए और ये ऐसा कार्यक्रम वो पहले बार देखने को मिल रहा है कि हमारे गांव में ऐसा कार्यक्रम पहले बार ऐसा इतना जोरदार धूमधाम के साथ मेरे साथ में मेरे
पूरा मेरे गांव के नंगल साथियों एवं मेरे माता पिता तुल्य बुजुर्ग के साथ यह सुनकर मेरे बाजा गाजा के साथ यहाँ इस कार्यक्रम को हमारा इस कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। तो मैं चाह रहा हूँ मैं ऐसा कार्यक्रम मेरे को हर वर्ष देखने को मिलना चाहिए और साथ साथ नालों को भी साफ सफाई करवाए हमें। ऐसा लग रहा है कि मेरा गांव स्वच्छता में पूरा जुड़ गया है। यहाँ इतना गंदा था यहाँ लकड़ी बेशरम पूरा भरा हुआ था, लेकिन नाला को भी साफ सफाई करवा हूँ मैं और जोरदार लगा पूरा गांव का मेरा सब सभी साथियों सभी मेरे यार दोस्त सब खुश है भाई। इतना मैं बोल रहा हूँ मैं इतना बोल करके मैं अपना बाड़ी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़ माता की जय, भारत माता की जय, मुझली दाई की जय। तो दोस्तों अभी हमारे गांव के सरपंच जी ने हमें अपने भोजली के त्यौहार के बारे से बताएं और साथ ही जो है भोजली का त्यौहार किस तरह से मनाते हैं वो सब कुछ जो है दोस्तों हमें जो है बताएं, हमें रूबरू किए। और यह दोस्तों मेरे गांव का सरपंच जी हैं, ठीक है, तो काफ़ी अच्छे तरह से बनाए, तो मैं उनके लिए सरपंच जी को धन्यवाद कहना चाहूँगा कि उन्होंने हमें जो है बताएं। और अभी जो है दोस्तों यहाँ पर मेरे गांव के सभी नौजवान यहाँ पे अभी भोजली का त्यौहार होता है दोस्तों, ये हमारे छत्तीसगढ़ के बाए बाए।